हेलो फ्रेंड्स, माया परफेक्ट स्वयं में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडी रोटी का नाश्ता। तो हमने रात की बची हुई रोटी, हमने 3 रोटी ली है और इस तरह से हम कैंची से इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इस तरह से। तो हमने सारी रोटियों के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, तो इसके अंदर हमने 2 चम्मच छोटे चम्मच के लगभग ऑयल डाला है। और ये हमने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए थे, इसको छील के और इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े करके रख लिए हैं फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से वॉश करके छलनी में छान के सारा पानी इसका निकाल दिया है। अब इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तब तक हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम में ही रखना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ब्राउन से हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये सिक्के तैयार है कि ये देखिए फ्रेंड, ये आलू एकदम सिक्के तैयार हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, तो स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स। अगर आपको अगर तीखा पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालना है और चौथाई चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालनी है और इसको मिक्स करेंगे। एक हरी मिर्च ली है जो छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल दिया है फ्रेंड। और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच चीनी। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसे चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद जो हमने टुकड़े करके रोटियों के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे हम मिक्स। तो हम ये छुनकी हुई रोटी को हम चटपटा बनाने वाले हैं। तो इसमें हमने एक नींबू का रस इसमें डाला है, तो इसमें चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और इसमें एक चम्मच के लगभग इसमें हम टमाटर सॉस डाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना चटपटा खट्टा मीठा सा हमारी ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे कच्चा धनिया जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था, तो इसमें हमने धनिया भी डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। और ये फटाफट 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। और बच्चे बड़े सब इसे खाकर बड़े खुश होंगे और आपसे बार बार यही नाश्ता बनवाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर नए में हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।